नमस्कार दोस्तों, ग्रीन किचन में आज हम बनाएंगे भावनगरी गाठिया। भावनगरी गाठिया गुजरात की बहुत ही मशहूर रेसिपी है, तो मैं आज ग्रीन किचन में वो रेसिपी लेके आई। तो चलिए शुरू करते हैं भावनगरी गाठिया। तो इसके लिए हम रेडीमेड बेसन नहीं, 200 ग्राम चने का आटा लेंगे। चने का आटा यानी ग्राम फ्लोर। इसके बाद एक बाउल में हम आधा छोटी चम्मच पापड़ खार लेंगे। पापड़ खार जिसे गुजराती में पापड़ियों खारो कहते हैं। और इसमें हम स्वाद के हिसाब से नमक मिक्स करेंगे। अभी मैंने आधा छोटी चम्मच नमक लिया है। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करके हम इसे माइक्रोवेव के फुल पावर में 1 मिनट के लिए सेक लेंगे। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप लो फ्लेम पे तवे पे भी सेक सकते हैं। ये देखिए, ये हमने पापड़िया खार माइक्रोवेव में सेक लिया है। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। ये आधा छोटी चम्मच अजवाइन है जिसे मैंने थोड़ा सेक के इसमें से पाउडर रेडी कर दिया है, वो हम चने के आटे में डालेंगे। इससे हमारे भावनगरी गाठिया का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। एक पिंच हींग डालेंगे। अब हम इसमें आधा कप तेल डालेंगे। अब ये पापड़िया खार और नमक वाला पानी जो हमने रेडी किया है, इससे हम डो रेडी कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने गाठिया का आटा रेडी कर दिया है। अब हम इसे बनाने के लिए गाठिया मशीन रेडी कर लेंगे। इसे चारों तरफ अच्छी तरह तेल लगा लेंगे ताकि वो ग्रीस हो जाए। इसके लिए हम ये जाली का प्रयोग करेंगे। ये देखिए, इस तरह हम गाठिया मेकर में जाली फिट करेंगे। अब हम मीडियम आंच पर गाठिया फ्राई करने के लिए तेल गरम कर लेंगे। तेल को हम फास्ट गैस पे गरम नहीं करेंगे, इसके लिए हम मीडियम आंच पे इसे गरम करेंगे, क्योंकि गाठिया फ्राई करने के लिए तेल का मीडियम टेम्परेचर रहना ही जरूरी है। और जब तक हमारा तेल रेडी हो जाए तब तक हम ये आटे को अच्छी तरह पानी डाल के मसल के डो रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हम आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे फेंट लेंगे। देखिए, अब हम गाठिया मेकर में ये आटा भर लेंगे। तो चलिए, तेल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें गाठिया बनाना शुरू करते हैं। अब हम इसमें थोड़ा पानी छिड़केंगे एकदम ध्यान से। पानी छिड़कने से गाठिया अंदर से सॉफ्ट बनते हैं। ये देखिए, स्लाइट कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसे ज्यादा तलने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही होते हैं। तो तैयार है हमारे भावनगरी गाठिया, और इसे हम फ्राइड हरी मिर्च के साथ सर्व करेंगे। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ सिर्फ ग्रीन किचन। तब तक के लिए नमस्कार।